हस्तशमनप्रियाय नमः। ॐ अन्तःसाक्षिणे नमः। ॐ अन्तर्यामिने नमः। पूज्य गुरुदेव के अलग अलग नामों के द्वारा हम लोग उनके चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। इन नामों में उनके स्वभाव, उनके गुण और तत्व दृष्टि से भी उनके जो नाम है उनका यहां वर्णन है। एक होता है देखिए स्वरूप और एक होता है रूप। आत्मा जो है वो क्या है? स्वरूप है। उसके अलावा जो कुछ है वो सब नाम रूप है। तो स्वरूपतः हमने देखा कि अज है, अव्यय है। और उपाधि के दृष्टि से देखा जाए तो उनमें अनेक जो नाम है वो सार्थक होते हैं। अद्वितीयाय नमः, तो अद्वितीय स्वरूप भी है और उनके व्यक्तित्व का गुण भी है। उनके जैसा कोई नहीं, खुद अद्वितीय। अब अगला जो नाम है वो है अंतर्यामिनी नमः। अब अंतर्यामी ये भी भगवान का नाम है। आपने यदि भगवत गीता पढ़ी हो, निश्चित ही पढ़ी होगी, पढ़ रहे हैं, उसमें 18वां अध्याय में भगवान का ये नाम आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे गुणतिष्ठति तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। बोले आप कैसे हैं भगवान? तो बोले आप सबके हृदय में बैठकर नियमन कर रहे हैं। अन्ते स्थित्वा यह नियमयति स अंतर्यामी ना, अंतरंग में बैठ के जो नियमन करे, संचालन करे। अब देखिए पूरी सृष्टि चल रही है। सृष्टि तो चलती हुई दिखती है लेकिन उसका चालक संचालक दिखाई नहीं देता। वो कैसा है? सबके अंदर बैठा हुआ है। उसको दे मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सारे फूलों के अंदर धागा पिरोया होता है। वो दिखता नहीं लेकिन उसी के कारण वो माला का अस्तित्व होता है। भगवान का एक नाम है सूत्रात्मा, सूत्र की तरह है, पिरोया हुआ है। तो नियामक वो है, उसके कारण सब चल रहा है। अब यदि गुरुदेव को देखा जाए तो गुरुदेव भी पूरे मिशन के क्या थे? मानो कि नियामक, संचालक, उनके ही मार्गदर्शन में आदेश से सब कुछ चल रहा था। तो उस दृष्टि से वो भी अंतर्यामी है। सबके भीतर वो बैठे हुए हैं। देखो जितने भी भक्त हैं उनके हृदय में कौन बैठे हैं? गुरु ही बैठे हैं ना। और प्रेरणा हर समय तो कोई गुरुदेव आकर आपको आदेश नहीं देते। तो सबको अंत प्रेरणा होती थी और उसी से सब काम होता था। उनके उनके स्वभाव को लोग जानते थे। बोले तो उनको ये अच्छा लगेगा इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो अनजाने में हम उन्हीं के द्वारा प्रेरित होके क्या है काम कर रहे हैं या जिन लोगों ने किया वही हृदय में बैठ के सबको क्या कर रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। उस दृष्टि से क्या हुआ? अंतर्यामी। गुरुदेव का एक भक्त थे, उनका नाम था राजा राम। राजा राम
तो उन्होंने गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उनको कहा, उन्होंने कहा इनसाइड रामा आउटसाइड ड्रामा, आउटसाइड राजा, बोले तुम्हारा नाम क्या है, सिग्नेचर करना था राजा नाम, तो इनसाइड रामा आउटसाइड राजा, मतलब क्या आप सब काम करो राम जी की प्रेरणा से जो आपके अंदर बैठा हुआ है, बाहर आप राजा की तरफ काम करो, लेकिन किसकी प्रेरणा से करो, तो बोले राम जी की प्रेरणा से। तो सबके भीतर भगवान गुरुदेव कहते हैं वही बैठा है, इसलिए राम शब्द का अर्थ ही होता है कि जो अंदर बैठ के सबका नियमन करता है। तो अंतर्यामी वो कहते थे, देखिए जैसे नाटक में कोई काम करता है ना, तो उन्होंने एक व्यक्ति को बड़ा अच्छा बोला, बोले नाटक में एकदम एक्चुअल वास्तविक काम करो और वास्तविक जीवन में नाटक करो। जब आप नाटक में काम करते हो तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को भी बिल्कुल वो अभिनय, मतलब जो पात्र है वो जीवंत हो, वो बाहर जब आप काम कर रहे हो तो उसको वास्तविक मत समझो। तो वो जो राजा राम शब्द से उन्होंने यही वहां पर बताया है कि उसकी प्रेरणा से करो जो आपका कर्तव्य है, लेकिन सत्य अंतर्यामी कोई मानो, बाकी तो सब नाटक है, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। तो अंतर्यामी ने नमः। अगला वाक्य क्या, अगला नाम तो ओम ओम आनंदाय नमः, ओम आनंदाय नमः। ये नाम तो बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा नाम है, नाम सबसे अच्छे हैं, लेकिन आनंद तो सबको प्रिय है। गुरुदेव में ये बिल्कुल मुख्य रूप से झलकता था आनंद, कभी भी हमने उनको दुखी नहीं देखा। बड़े से बड़ी दुर्घटना हो गई मिशन में, किसी लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पे चिंता वगैरह नहीं। किसी ने, एक व्यक्ति ने ऐसे ही बोला, गुरुदेव डोंट वरी, तो गुरुदेव एकदम होते हैव यू सीन मी एनी टाइम वरी, हम लोग कई बार बोलते थे ना सर डोंट वरी, तुरंत उन्होंने बोला, और सही में कभी चिंता तो कभी नहीं, आनंद, क्योंकि अब जब आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। अब ये तो बड़ी विरोधी चीज हो जाएगी ना, हम आत्मा का खूब क्या प्रवचन कर रहे हैं, आनंद रूप है, आनंद रूप है, और स्वयं दुखी है, तो कैसे होगा? मतलब जो आप बोल रहे हो उसके विरुद्ध। हम देखते हैं कि सारे स्वामी जीओं के पीछे, नाम के पीछे क्या होता है, आनंद। मतलब शायद गुरु लोगों की अपेक्षा होती है कि अब आप हमेशा किसमें रहें, आनंद में रहे। अब सभी शिष्य उतने हमको पाते कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन गुरु तो दे देते हैं नाम, चलो आनंद। गुरु जी बड़ा अच्छा सुनाते, बोले कोई ब्रह्मचारी नाम तो है उसका क्या आनंद, उससे बोले तुम खुश हो, अरे बोले कभी कभी मैं खुश होता हूं, तो बोले फिर तू अपना नाम रख लो कदानंद। दूसरे से पूछा तुम, बोले कभी खुशी होता है कभी गम होता है, तो बोले तुम्हारा नाम यदा कदानंद। एक से पूछा भाई तुम, बोले मेरे को नाम है, मैं कुछ भी खुशी उशी तो कुछ है नहीं, बोले फिर तुम अपना नाम रखो स्वामी अनानंद। तो नाम यदि आनंद है और स्वरूप हमारा आनंद है तो प्रकट भी होना चाहिए। कि देखो आत्मा के जितने गुण धर्म है उसके अनुसार व्यवहार भी, मतलब झलक
अब आत्मा का गुण बता रहे हैं सम है सम है और व्यवहार में एकदम विषम है, तो लोगों का विश्वास उस ज्ञान पे से भी हट जाएगा है ना, और वो महात्मा पे से भी हट जाएगा, बोले जो बोलते हैं उसे तो है ही नहीं। असंगोहम असंगोहम, और हर जगह आसक्ति हो गई तो फिर तो यहां कहते हैं यथा नामो तथा गुण चिन्मयानंद, चिन्मय मतलब आनंद ज्ञान और आनंद मतलब आनंद, तो गुरुदेव हमेशा ज्ञान ही देते रहे उसी में आनंद लेते रहे। इसलिए कितने भी व्यस्ततम दिनों में भी वो कभी भी कक्षा को नहीं छोड़ते थे, उनके लिए वही आनंद का क्या सोर्स। और आज जैसे मैंने बताया गुरुदेव कहते थे डू नॉट की की ऑफ हैप्पीनेस इन समवन एल्स पॉकेट, अपने में आनंद। देखो महात्माओं का एक होता है, बड़े बड़े महात्माओं का गुण, वो आनंद के लिए काम नहीं करते, आनंद से काम करते। एक होता है आउट ऑफ हैप्पीनेस और एक होता है फॉर द हैप्पीनेस। हम लोग आनंद के लिए काम करते हैं और वो लोग आनंद से प्रेरित होकर काम करते हैं, फर्क समझ आ रहा है। अच्छा, गुरुदेव ने चिन्मय मिशन का मोटो भी क्या रखा, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय आनंद देने के लिए मिशन है। नहीं बोलो आप लोग किस किस को मालूम है जरा बोलिए, टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम है। और हिंदी में क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय के लिए अधिक से अधिक आनंद। तो ये देखो तो उसमें भी आनंद ही हमारे स्वामी जी बड़ा मजाक करते हैं, कोई लोग अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय के लिए कम से कम समय में अधिक से अधिक दुख देते ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। और हम लोग जब कोर्स करते थे तो जब गुरुदेव आते थे तो पूरा वातावरण ही उस सिद्धवाड़ी आश्रम का बदल जाता, गुरुदेव को लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, मैग्नेट की तरह बाहर आके बैठते थे सब लोग उनको घेर के। तो ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व, इसको कहते हैं ना मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। देखो महात्मा के पास एक ही चीज होती है, वो है आनंद, उसी के कारण है, तो और क्या है। तो इसलिए आनंद कभी भी उनका आनंद कम नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल देखी हुई चीज है। वेदांत ज्ञान का भी प्रयोजन यही कि हम अपने इस आनंद रूप को पहचाने, ये सारा जो मेहनत हम कर रहे हैं अंततः उसका प्रयोजन यही है ना। आगे देखिए, ओम आत्मस्वरूपाय नमः, ओम आत्मस्वरूपाय नमः, बोले ऐसे गुरुदेव को प्रणाम जो आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप मतलब वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, शरीर के दृष्टि से व्यक्ति है लेकिन तत्वतः देखा जाए तो आत्मतत्व ही है, तो आत्मस्वरूप है। इसलिए जब भी पत्र लिखते थे ना तो पत्र में भी ब्लेसेड सेल्फ सर प्रिय आत्मस्वरूप, मतलब दूसरे को व्यक्ति नहीं मानते, आत्मतत्व ही। अंत में लिखते हैं दाय ओन सेल्फ आत्मस्वरूप, तो हमेशा वो ऊंचे स्तर पर ही रहते, नीचे कभी नहीं आते। पूरा उनका जो प्रवचन भी आपने सुना हो, ये जो बीएमआई चार्ट है, ये ना बीएमआई कितने लोगों को मालूम है, बीएमआई चार्ट उसमें जो ओम है वो क्या है,
आत्मस्वरूप आत्मतत्व है, इसको समझा नहीं है। कहते थे ओम इज योर होम, ये ओम ही आपका क्या है वास्तविक, तो आत्मा ही जो है वह स्वरूप है। तो बार बार सेल्फ सेल्फ, और वो कहते थे आत्मा मतलब कैपिटल आय और जीव मतलब स्मॉल आय। एक होता है शुद्ध आत्मा और एक होता है जीवात्मा, ये वेदांत का विषय है। एक है शुद्ध चैतन्य, ये हमारा वास्तव में स्वरूप शुद्ध चैतन्य, लेकिन आज हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, एक जीव मान रहे हैं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो इसको बोलते हैं जीवात्मा। एक है परमात्मा और एक है जीवात्मा। वास्तव में ये दो दो नहीं है, दो दिखते हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब है, तो सूर्य एक है प्रतिबिंब अनेक है, जितने घट है उतने प्रतिबिंब। लेकिन सूर्य से पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा, मैं तो एक ही हूं। तो सूर्य हो गया परमात्मा और प्रतिबिंब हो गए जीवात्मा। तो जैसे हम सब लोग जीव हैं, लेकिन इस जीव का मूल रूप क्या है यदि देखें तो परमात्मा, वो सब में एक है। परमात्मा की दृष्टि सब में एक चेतन है, लेकिन वही सबके अंतकरण में सबके मन में जब वो प्रतिबिंबित हो गया तो सब जीव अलग अलग हो गए, सब जीव का अपना एक अलग अलग व्यक्तित्व हो गया। जैसे पानी अलग अलग यदि हो, कोई मटमैला हो, स्वच्छ हो, चंचल हो, तो उसमें प्रतिबिंब भी अलग अलग पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे जीवात्मा का सबका स्वरूप अलग अलग हो गया, सबका स्वभाव अलग, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, होगा ना जीव में फर्क। जैसे घट में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है वो कैसा हो गया अलग, लेकिन सारे प्रतिबिंब यदि अपना विचार करें कि हम कौन है, आप जरा कल्पना कीजिए सारे प्रतिबिंब ध्यान कर रहे हैं खुद का, तो क्या उनको ज्ञान होगा कि हम वास्तव में कौन है, सूर्य है। ऐसे जब हम अपना ध्यान करेंगे, मन को हटा के आप देखिए अपने आप को कि हम कौन है, मन मानो कि जल है, हाँ उस मन रूपी जल में आत्मा क्या हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, तो हम क्या बन गए, प्रतिबिंब जीव। लेकिन मन बुद्धि इसको हटा के जब अपने आप को देखेंगे तो आत्मस्वरूपाय नमः, तो क्या दिखाई देगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा। तो गुरुदेव बार बार इसी का उपदेश करते रहे और वो स्वयं भी उसी स्टेज में उसी स्थिति में रहते थे। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, बोले हम आप लोगों को बार बार सिखा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं सिखा, 2 वर्ष तक प्रयत्न किया। वो ये कहते थे कि आपको ये सब सिखा तो रहे हैं तो आप अपने को जानने का प्रयत्न कीजिए, दूसरे को उपदेश करने का प्रयत्न मत कीजिए, उपदेश के द्वारा आप अपने ही आत्मस्वरूप को पहचाने। उन्होंने लिखा कि 2 वर्ष तक मैंने आपको बदलने का खूब प्रयत्न किया लेकिन कुछ सफलता मिली नहीं, मजाक में कहते थे। तो आप भी लोगों को बदलने का प्रयत्न मत करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। ये मनन चिंतन प्रवचन ये क्या है, ये साधन है। तो कहने का अर्थ है कि प्रयोजन स्पष्ट हो कि मुझको मेरा स्वरूप जानना है, तो आत्मस्वरूप आए ऐसा हो गया। फिर अगला जो उनका नाम है वो बिल्कुल उनके भाषा से संबंधित है। क्या भाषा है, आंग्ल भाषा, तो सुनिए। ओम आंग्ल भाषा विदुत्तमाय नमः, ओम आंग्ल भाषा विदुत्तमाय नमः।
आंग्ल भाषा विदुत्तमाय नमः। आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश। इंग्लिश के वो बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने देखिए एम ए इंग्लिश में किया, LLB पढ़ाई की और एम ए इंग्लिश लखनऊ से। और अब थे वो केरला के, उन्होंने मलयालम में प्रवचन नहीं किया, इंग्लिश में किए। हालांकि मलयालम तो आप अच्छा हिंदी प्रांत में रहे तो हिंदी में भी बोल सकते थे। तपोन जी महाराज तो इधर ही रहे थे तो हिंदी में ही बोलते थे, लेकिन वो हमेशा इंग्लिश में ही बोलते थे। प्रवचन में एकाध वाक्य कभी कभी हिंदी में बोलते थे, बड़ा फनी, बड़े मजे से। वो याद है कौन थे, कुंती के बेटा या कुंती का बेटा। तो जानबूझ के उन्होंने इंग्लिश में ही प्रवचन दिए। बोले क्यों, जिसे हमने उस दिन बताया था, उस समय का देखो समय भी कैसा था। इंग्लिश लोग गए हुए थे कुछ ही 1947 के बाद, इंग्लिश का बहुत प्रभाव था। आप देखिए पहले के जमाने के सारे लोगों का इंग्लिश कितना बढ़िया था, ब्रिटिश इंग्लिश। गुरुदेव का ब्रिटिश इंग्लिश था। इंग्लिश का भी अलग अलग होता है ना, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश और कौन सा स्टाइल होती अलग। तो उनके आप प्रवचन सुनिए एक आध दिन, यहाँ पर दिखाएंगे भी तो आपको लगेगा कोई इंग्लिश व्यक्ति ही बोल रहा है, यदि आप उनका चेहरा नहीं। तो अंग्रेजी में बोलते रहे। उन्होंने एक जगह कहा, किसी ने प्रयागराज में है ना, तो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलने लगा प्रवचन के बीच, बोले आप ये इंग्लिश में क्यों बोलते हो, ऐसा किसी ने ऑब्जेक्ट। तो गुरुदेव ने उसका समाधान किया, बोले देखो मेरा प्रयोजन कुछ और, हिंदी में बोलने वाले तो बहुत लोग हैं। अब कई लोगों को हिंदी मतलब इन्फीरियरिटी लगता है, हीन लगता है ना, ये इंग्लिश लोगों ने अपने दिमाग में डाल दिया। इंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला मतलब वो क्या, हाँ थोड़ा पढ़ा लिखा बड़ा। और अभी तक ही चल रहा है, हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं, अब ट्रेन में टीटी इत्यादि को लगता है कोई बाबा जी है, कोई ऐसे या कोई लोग भी बैठे रहते हैं, उनसे यदि इंग्लिश में एकदम बोलना शुरू कर दें, ओ अच्छा आपको आता है। छोटे बच्चे भी होते हैं ना, कोई बाबा जी होंगे कोई इनको कोई, लेकिन एकदम इंग्लिश, ओ एकदम उसका चेहरा बदल जाता है। तो ये क्या है, अपने भीतर ये डाल दिया गया है। इंग्लिश मतलब किसका प्रतीक है, पढ़े लिखे, हालांकि बिल्कुल सत्य नहीं है। इंग्लिश तो एक भाषा है, इंग्लिश बोलने वाला एकदम मूड हो सकता है और सामान्य बोलने वाला बड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है। तो गुरुदेव ने देखा कि लोगों के भीतर ये बुद्धि बनी है, तो जानबूझकर उन्होंने इंग्लिश में, उन्होंने एक वाक्य बड़ा अच्छा बोला, बोले आप सब लोगों का मुख किस दिशा में है, तो बोले पाश्चात्य देशों की ओर आपका मुख है। हाँ मतलब आप उन्हीं को क्या बड़ा मानते, महान मानते, तो बोले इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। जिस दिशा में आप लोगों का मुख है, मतलब जिस भाषा में ऊंचे लोग समझ पाए, उसी भाषा में मैं बोल रहा हूं, ताकि ये ज्ञान उन तक पहुंचेगा। नहीं तो कई बार ये भी होता है ना, अब ये संस्कृत भाषा है तो बोले ये पुरानी भाषा है और क्या लिमिटेड लोगों की भाषा है, तो हम उसमें क्यों पढ़े, हम उसको क्यों सुने। तो गुरुदेव ने वो इंग्लिश के ही श्लोक लिए और उसको ट्रांसलेट करके जो समाज में ऊंचे लोग हैं उन तक को पहुंचाए। इंग्लिश में क्या अपनी भगवत गीता का ट्रांसलेशन, होली गीता, जैसे होली बाइबल है ना, तो उन्होंने भी कर दिया होली गीता, जानबूझ के उन्होंने किया।
उन्होंने एक ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट के द्वारा उन्होंने समझा है, ये BMI है, इसके बारे में बताएंगे तो जान बुझ के इंग्लिश में, उसका एक विशेष प्रयोजन था और कुछ नहीं। हिंदी या संस्कृत के प्रति हीन भावना थी ऐसी नहीं, लेकिन लोगों के मन में वो हीन भावना है, इसलिए उन्होंने उनको ऊंचा उठाने के लिए, ये ज्ञान उन तक पहुंचाने के लिए इस भाषा को ही क्या किया, माध्यम बनाया। अच्छा, और उनकी उनकी भाषा में तो मास्टरी थी, उन कई लोग उनका प्रवचन इसलिए सुनने आते थे, बोले इंग्लिश, हाँ इंग्लिश शब्द, बोले हमको नए शब्द मिलेंगे, कई लोग नोट कर देते, है ना। तो देखो युवा लोग अट्रैक्ट हुए ना उस समय, अरे हमारी भाषा में बोलते हैं। तो एक प्रयोजन के तहत उन्होंने, हालांकि जो बिल्कुल पारंपरिक लोग थे उन्होंने विरोध भी किया प्रारंभ में, जैसे उस दिन कहा था, कई लोगों ने कहा कि आप इस इंग्लिश में बोल रहे हो आपकी जीभ गिर जाएगी, ऐसा शाप दे दिया किसी ने, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वही लोग उनके चरण में आए। तो भाषा तो माध्यम है, जिस भाषा में समझ में है। अब आप छोटे बच्चे से बोलते हैं तो तोतली भाषा में ही बोलते हैं, क्योंकि उसको वही भाषा समझ में आती है। अब तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में पूरी रामायण लिखी, देखो उनके साथ भी यही हुआ, बोले अवधी भाषा में रामायण, पंडितों ने माना नहीं, वो बोले तो गवार लोगों की भाषा है, गांव वालों। उस रामचरित मानस को कहते हैं कहां रखा गया, विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में पट बंद किए गए, और यदि शिवजी आशीर्वाद दे दें तो हम इसको स्वीकार करेंगे ग्रंथ, और ऐसा सही में ये बात हुई, ये सत्य घटना है। सुबह जब पट खोले तो उस रामचरित मानस पे सत्यम शिवम सुंदरम से लिखा हुआ था। उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत वेदांत के, उन्होंने भी उसकी खूब तारीफ की। आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तक राम भ्रमर भूषिता कविता मंजरी शारदा, कविता मंजरी राम भ्रमर भूषिता, उसका अर्थ बड़ा अच्छा है। बोले इस आनंद कानन में, काशी में आनंद कानन, तो आनंद कानन में एक तुलसी है, एक तुलसी तो पौधा होता है, जंगमस तुलसी तर, जंगम मतलब चलने वाला, स्थावर मतलब क्या होता है, तो बोले चलने फिरने वाला एक तुलसी है, तुलसी का, और कविता मंजरी भाती राम भ्रमर भूषिता। आपने देखा होगा तुलसी के ऊपर एक मंजरी होती है, तो बोले ये रामचरित मानस क्या है, वो कविता है, वो मंजरी की तरह है, और उस मंजरी के ऊपर भ्रमर, भ्रमर कौन है, स्वयं राम, मतलब राम जी उसके ऊपर मंडराते हैं, मतलब राम जी को वो इतना अच्छा लगता है। तो वहां पे उन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी ने जब ये लिखा तब लोगों ने स्वीकार किया। तो कहने का अर्थ है भाषा तो भाई, अब ज्ञानेश्वर महाराज जी ने प्राकृत में ज्ञानेश्वरी लिखी, भाषा एक माध्यम है, भाषा से आप निर्णय नहीं कर सकते कि कोई विद्वान है या अविद्वान है, कोई साक्षर है निरक्ष। कबीरदास जी कहते हैं हम कभी स्कूल कॉलेज में गए नहीं। अब साधुओं की भाषा कैसी होती है, सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं, उनमें जो ज्ञान होता है जबरदस्त होता है, लोगों को वो संस्कृत श्लोक याद नहीं रहते, लेकिन दोहे याद हो जाते हैं। तो ऐसे यहां पर गुरुदेव ने देखा कि समाज ऐसा है, उन लोगों को इंग्लिश में ज्यादा हम अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में ये प्रवचन किया। और देखिए इसीलिए कितने देशों में भी जा पाए, अभी अपने
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉइन रिलीज किया था, तो उन्होंने कहा कि चिन्मय मिशन ने विदेशों में जो काम किया है इतने साल पहले से, मतलब गुरुदेव ने उन्हें किए 93 में गुरुदेव की समाधि हुई, उसके पहले से कितने देशों में हो गए और ये गीता का प्रचार प्रसार किया। यदि इंग्लिश नहीं होती तो कैसे होता। आज चिन्मय मिशन के अमेरिका में लगभग 40 आश्रम हैं, बड़े विशाल विशाल, और वहां गीता पढ़ाई जाती है और सारे वेदांत। तो ये गुरुदेव का ही प्रयत्न है कि इतने लोगों तक ये वेदांत पहुंच पाया, क्योंकि उपासना तो प्रयोजनम बहुत विशाल प्रयोजन, व्यापक प्रयोजन था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में रखा। तो ओम आंग्ल भाषा विदुत्तमाय। अगला नाम है ओम ईश्वराय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार जो ईश्वर है। अब देखो हर शिष्य जो है अपने गुरु को क्या मानता है, ईश्वर। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। प्रहलाद जी का व्यक्तित्व आता है श्रीमद् भागवत में, वो भी वही कहते हैं कि गुरुषु ईश्वर भावना। शिष्य को हमेशा गुरु में ईश्वर ही देखना चाहिए। ऐसा क्यों? गुरु में जब आप ईश्वर देखते हो तो गुरु में दोष नहीं दिखते। इसलिए गुरु को मनुष्य मानना ये शिष्य के हित में नहीं है। यदि शिष्य चाहता है कि हमको सब कुछ उनका ज्ञान इत्यादि मिले, तो गुरु को बहुत ऊंचे स्थान में आपको प्रतिष्ठित करना। और देखिए केवल अध्यात्म में नहीं, आप संगीत, चित्र, जो भी नृत्य, सब शिष्य अपने गुरु को वही स्थान देते हैं, तभी जाके उनको लाभ होता है। तो ईश्वर मानना चाहिए। और यदि तत्वतः भी आप देखें तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये। ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये तीनों में अभेद है, अंतर नहीं। जो आत्मा है वही ज्ञान की उपाधि से युक्त हो गया, गुरु बन गया। हाँ, आत्मा प्लस ज्ञान की उपाधि इज इक्वल टू कौन? गुरु। और आत्मा प्लस अनंत शक्ति की उपाधि से युक्त हो गया तो हो गया ईश्वर। ये वेदांत के सारे विषय हैं। तो अभेद है तीनों में, तो उस दृष्टि से गुरुदेव को यहां ईश्वर कहा गया है। देखो दूसरा इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर मतलब कौन होता है, तो वेदांत में क्या कहा, जो सर्वगुण संपन्न है, जिसमें बहुत सारे गुण हैं, गुणों का जो आश्रय है वो कौन है? ईश्वर। तो यदि आप गुरुदेव को भी देखें तो अनेक गुणों से संपन्न है, सकल गुण निधानम जिसे भगवान, तो उनमें ज्ञान है, उनकी ओजस्विता है, तेजस्विता है। अब ये सारे जो नाम हो क्या है, गुण ही है ना, तो ईश्वरवत को हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई महात्माओं को लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो भगवान के ही क्या है, अवतार है, सब बोलते थे भगवान के अवतार। देखो जो शिष्य है ना वो गुरु को भगवान कहे तो ठीक है, लेकिन जो खुद से ही अपने आगे भगवान लगा वो ठीक नहीं, स्वयं वो भगवान, मैं ही भगवान का, ये थी शिष्य की भावना होती। इसलिए गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत चमत्कार और सिद्धि वाला, हालांकि उनका बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने कभी वो प्रकट नहीं किया। अनजाने में चीज प्रकट हो जाती थी तो उसको वो डाइवर्ट कर देते,
कई बार ऐसे हुए घटना, एक उनकी पुस्तक है, मतलब भक्त लोगों ने लिखी है पुस्तक, उसका नाम है एट एवरी ब्रेथ ए टीचिंग, मतलब हर श्वास में कुछ न कुछ शिक्षा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, गुरुदेव का कर्म, गुरुदेव का प्रेम, तो एक टॉपिक है मिरेकल्स, उसमें भक्तों को जो अनुभव हुए वो उन्होंने लिखे, लेकिन गुरुदेव ने अपनी तरफ से कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कारी बाबा हूं, मैं भगवान हूं। वो ऑलवेज उनके प्रवचन में बोलते थे यू एंड आई, यू एंड मी, सबको अपने में, अपने को सब में इन्वॉल्व कर, ये नहीं कि यू पीपुल यू इग्नोरेंट वी इग्नोरेंट, वी मतलब फिर हम, तो हमें वो खुद को भी डाल देते। तो देखिए ईश्वरवत होने के बावजूद भी वो अपने आप को सामान्य ही व्यक्त करते थे, सामान्य रूप से शिष्य का भाव था ईश्वर। अच्छा, ईश्वर का एक क्या अर्थ होता है, ईशन करे, जो शासन करे उसको कहते हैं क्या, ईश्वर, ईश धातु से बनता है। तो अपने आप ही सारे शिष्य लोग उन्हीं के शासन में रहते थे, तो शिष्यों की ओर से क्या है ये नाम दिया ईश्वर, ईश्वराय नमः। वो गुरु जी सुना देना, एक व्यक्ति ने अपने नाम के आगे लिख दिया जगत गुरु, मैं जगत गुरु, ये सुना है ना, जगत गुरु 1008 वगैरह वगैरह। लोगों ने कहा अपने आप को तुम कैसे जगत गुरु बोल रहे, कभी से कोई शिष्य आपने देखे नहीं आपके, जगत गुरु मतलब क्या है जिसके हजारों लाखों शिष्य हो रहे। तब उसने कहा मैं जगत गुरु हूं। बोले क्यों, आप कैसे लिख रहे हैं? बोले क्योंकि मेरा एक शिष्य है और उसका नाम है जगत, तो मैं उसका गुरु हो गया। तो अपने खुद से ही बताइए, खुद से जो बोलते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं आपका उद्धार करने के लिए अवतरित हुआ हूं, ये अज्ञान की लक्षण। ओम ईश्वराय नमः। फिर अगला नाम देखिए, ओम उदार हृदयाय नमः, ओम उदार हृदयाय नमः, उदार हृदय वाले गुरुदेव को प्रणाम। उदार हृदय मतलब व्यापक हृदय। भगवत गीता में एक शब्द आता है महात्मा, समहात्मा सुदुर्लभ, तो वहां पर भगवान शंकराचार्य जी महात्मा की व्याख्या करते हैं। तो वहां कहते हैं महान आत्मा यस्य, जिसका अंतकरण बहुत बड़ा है उसको कहते हैं महात्मा। देखो आत्मा का अर्थ क्या किया, अंतकरण मन। ये आत्मा शब्द के भी अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो महान जिसका मन है, बड़ा मन है, और उसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं अक्षुद्र चित्ताहा, जिनका चित्त क्या है, छोटा नहीं है, संकुचित नहीं है, बड़ा जिसका हृदय उसको कहते हैं महात्मा। उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। अब ये शब्द सबको मालूम है, ये वाक्य वसुधैव, हमारे पंत प्रधान प्रधानमंत्री तो इसको खूब वसुधैव कुटुंबकम्, भारत का ये सिद्धांत है, पूरी वसुधा ही क्या है, एक परिवार है। अब देखिए मतलब पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, तो कितनी व्यापक ये सोच है। और वो श्लोक में लिखते हैं अयम निज परोवेति, ये मेरा है ये तेरा है। बोले ऐसा जो बोलता है ऐसे लोगों की गणना छोटे चित्त वाले मनुष्यों में होती है,
मतलब जिनका हृदय मन छोटा होता है वो ये भेदभाव करते हैं, लेकिन जो बड़े हृदय वाले होते हैं वो सबको समेटते हैं। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप, समुद्र जैसे विशाल है उसमें सारी नदियां आती है, सबके लिए स्थान है। तो ऐसे महात्मा होते हैं, गुरुदेव का भी हृदय बड़ा विशाल और हमने देखा है। गुरुदेव के पास इतने लोग आए, सबके लिए उन्होंने स्वागत किया, कुछ लोग गए उसका भी उन्होंने कोई दुख नहीं, अरे बोले जहां भी जाएंगे ज्ञान का ही प्रचार प्रसार करेंगे, उन्होंने बांध के नहीं रखा। वो बड़ा अच्छा कहते थे, बोले मैं मुक्त मुक्ति देने आया हूं, बांध के रखने के लिए नहीं आया हूं। इसके लिए बहुत उदारता चाहिए। वो कहते थे ओपन यूनिवर्सिटी, वो कोई जाति धर्म इत्यादि का उन्होंने कोई ये नहीं रखा। इसलिए विदेशों में कई जो है ना क्रिश्चियन और मुस्लिम सब लोग आते थे, और वो कहते थे, एक क्रिश्चियन ने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है, बोले तुम एक अच्छे क्रिश्चियन बनो। वो हमेशा कहते थे कि मैं कन्वर्ट करने नहीं आया। उनका एक वाक्य बड़ा अच्छा था कि मेरा एक ही प्रयोजन है क्या, टू कन्वर्ट हिंदू इंटू हिंदुइज्म, मतलब हम लोग है तो कहने के लिए हिंदू, लेकिन आदर्श हिंदू है क्या, हिंदुओं को हिंदू बनाने के लिए मैं आया, मुस्लिमों को हिंदू बनाने के लिए या क्रिश्चियन को हिंदू बनाने के लिए। बोले आप जिस धर्म में हैं उस धर्म का पालन अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से बस। अब बताइए ये उपदेश देने के लिए बड़ा उदारता लगती है कि नहीं, नहीं तो क्या जनरली क्या होता है, आ जाओ। अब हिंदू धर्म में तो कभी भी ये कन्वर्शन का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है, तो उदार हृदय होते थे। कभी भी उन्होंने अपने गेट से बंद नहीं किए, सबके लिए खुले, इसलिए इनका नाम है उदार चरित्र। और उन्होंने कहते हैं एक बड़ी ऐसी घटना है, चेन्नई की घटना है। चेन्नई में एक व्यक्ति थे जो कि उनका जो है ना समाज में नाम वगैरह इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके काम ठीक नहीं थे, थोड़े से बदनाम ठीक थे। अब वो गुरुदेव के पास आते थे, वो जैसे ही आते थे सब लोगों के चेहरे बोले ये कहां से आ गए, लेकिन गुरुदेव बड़े प्रेम से उनसे बात करते हैं। एक होता है समाज में शहर में लोगों की ख्याति होती है, तो नॉट गुड नेम। अब सब लोगों को लगता था गुरुदेव बड़े इनसे प्रेम से बात करते हैं, और हद तो ये हो गई कि गुरुदेव ने कहा कि अगला जो मेरा ज्ञान यज्ञ होगा उसका उद्घाटन तुम करोगे। आप जो ऑर्गेनाइजर लोग थे इतने परेशान हो गए, बोले वो मेंबर लोग, वो गुरुदेव को जाके बोलने लगे, वो चले गए उसका, ये आप क्या कर रहे हैं, आप जानते नहीं क्या कर रहे हैं। बोले आप फिर से सोचिए। गुरुदेव ने कहा नहीं मैं सब जानता हूँ, पीते भी है ये भी करते हैं वो भी करते हैं। सब लोग बड़ा घबराए हुए कि बताइए ऐसे व्यक्ति से उद्घाटन जिसका कि, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। और वो आए, उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन उसके पहले गुरुदेव ने उनको एक पत्र लिखा था। तो उद्घाटन के समय उन्होंने वो पत्र देखा और एकदम रोने लगे गुरुदेव। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा इतना बुरे आदमी में भी उन्होंने दिव्यत्व देखा, मैं भी बदल सकता हूं। उन्होंने मुझको इतने ऊंचे स्थान पर बिठाया। गुरुदेव ने उन्हें एक बड़ा लंबा पत्र लिखा था कि तुम रोज इस मंदिर में जाना, इस मंदिर में ये मंदिर तुम्हारे निकट है कृष्ण का मंदिर, और आज से ये व्यसन बन ये बन ये ये ये। अब देखो उस व्यक्ति की भक्ति तो थी गुरुदेव में,
लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा, तो गुरुदेव ने देखा कि इसमें बीज है बदलने का, पोटेंशियल है, सामर्थ्य बदला जा सकता। तो सब लोगों को अलग करके गुरुदेव ने देखिए उसको ऊंचा स्थान दिया, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। और वो रो रहा है, इसको कहते हैं उदारता, उदार हृदय। आपने वो कहानी सुनी है ना साधु की, कि वो एक बिच्छू है वो डूब रहा है लेकिन फिर भी वो हाथ में लेके क्या है उसको, अरे बोले ये आप क्या कर रहे हैं। तो महात्मा ने बड़ा अच्छा कहा, बोले वो यदि अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव बदल। तो महात्मा का स्वभाव ऐसा, अपकारी शुरसादि साधु साधुत्वे कोई उचित। देखो जो उपकार के बदले में उपकार करें तो उसमें साधुता नहीं है, जो कोई अपकार करने पर भी उपकार साधुत्व कोई उचित। उपकार के बदले यदि आप उपकार करें हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो अपकार कर रहा है फिर भी आप उपकार कर रहे हैं तो ये साधु का सही लक्षण है। पर कार्यम साधनोति साधु, जो दूसरे के परिवर्तन में सहायता करे बदलने में उसको कहते साधु। तो इसलिए साधु का नाम है महात्मा। बदलने के लिए क्या चाहिए, उदार हृदय चाहिए। तो गुरुदेव ने ये किया है और ऐसे अनेक लोग हैं, इसलिए ये नाम एकदम सार्थक। तो अब देखो इन सारे नामों से हमको सीखने की क्या बात है, टेक अवे क्या है, सीख कि हम भी अपना मन क्या करें बड़ा बनाए, ऐसे कंपार्टमेंट में छोटा छोटा छोटा, दीवार की तरह अपना मन ना हो, पुल की तरह, ब्रिज की तरह। एक होती है दीवार और एक होता है ब्रिज ना, पुल। एक अनसीन अदृश्य दीवार हम लोग अपने आसपास खड़ी कर, महात्माओं की वो दीवार नहीं होती। तो ये सीखने वाली यहां बात है। अगला नाम, एक और नाम लेकर पूर्ण करें, ओम उत्साह वर्धकाय नमः, ओम उत्साह वर्धकाय नमः। उत्साह वर्धन करने वाले गुरुदेव को प्रणाम। और ये तो हमने खूब देखा है, बड़ा उत्साह का वर्धन करते हैं। एक जैसे उदार हृदय बताया, तो एक बात बताना मेरे रहेगी, सिद्धवाड़ी में जो हम लोग रहते थे तो वहां पे गरीब बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल शुरू किया था, उसको कहते हैं हरिहर स्कूल। बोले इनको कोई ट्रेनिंग दो, है ना, हरिहर स्कूल था वहां पे, उदार हृदय था। उन्होंने नर्सेस ट्रेनिंग स्कूल खोला, नर्सेस, हिमाचल की जितनी गरीब वो लड़कियां थी। देखो उन्होंने हिमाचल में आश्रम खोला सिद्धवाड़ी में, कितने लोग गए सिद्धवाड़ी, वहां पे उन्होंने क्यों खोला, तो बोले जब हम उत्तरकाशी में थे वो इधर पर्वत पर्वतीय क्षेत्रों में थे तो यहाँ पे हमारी बहुत सेवा की लोगों ने, तो बोले हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी कुछ मदद करें सेवा करें, इसलिए उन्होंने गरीब लड़कियों के लिए नर्सेस ट्रेनिंग कोर्स के 3-4 कोर्सेस। और वहां पे हमने देखा उनका इतना उत्साह वर्धन करते थे वो लड़कियां जो है बड़ी अच्छी गाना गाती थी, भजन खुद से लिखती थी। ये हम लोग मिशन में गाते हैं ना, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाम, ये उन्हीं वो नर्सेस लोगों ने लिखा। गुरु हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे प्राण, ये भी उन्होंने क्या लिखा है, बहुत सारे जो सिनेमा के जो गाने थे उसके ट्यून पे होते वो, लेकिन गुरुदेव खूब झूमते थे गाओ। एक बार हमें
सारे ब्रह्मचारियों को हमारे गुरु जी जो सुबोधानंद जी उनको पढ़ा देते, उन्होंने कहा गुरुदेव आएंगे शिविर में सारे ब्रह्मचारी लोग जो है आप एक भजन का प्रोग्राम तैयार करो। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से भजन तैयार किया। अब वो नर्सेस जो ट्रेनिंग स्कूल था वो बिल्कुल आश्रम से आधा किलोमीटर दूर था, वो भी सब लोग आते थे जो। अच्छा गुरुदेव उनको देख के तो बड़ा उनका उत्साह वर्धन कर। हम लोगों ने भजन तैयार किए थे, एक भजन गाया उसका स्टॉप स्टॉप और वो नहीं से गवाए हम सब देखते शायद थोड़ा अंगों का अभिमान ठंडा करने के लिए बोले उनको जरूरत ज्यादा। तो ये उत्साह वर्धक आया तब हमने देखा कि बड़ा वो जो बिल्कुल जिसको जरूरत है उत्साह की सावर्धका है बड़ा वो प्रेम करते थे। जब भोजन करते थे डाइनिंग हॉल में तब भी वो आके भजन गाते थे गांव के, वहां पर गांव के जो स्टाफ वाले थे ना जो किचन वाले वो भी गाते थे और उस पर गुरुदेव से झूमते थे। ये उसको एंजॉय लाइक नहीं थी उनको, भोजन भी करते थे तो बड़े एंजॉय करके उत्साह बढ़ाते थे। यहाँ पर एक लिखा हुआ है बच्चों का उत्साह बढ़ाते थे। तो जब चेन्नई में वो जब प्रवचन कर रहे थे ज्ञान यज्ञ में तो उन्होंने किन्हीं बच्चों ने ना बाल विहार के बच्चों ने कार्यक्रम तैयार किया। अब वो परफॉर्म करना चाहते थे, अब पहले ये तय हुआ कि प्रवचन होने के बाद बाद में वो बाल विहार के बच्चे कार्यक्रम करेंगे। लेकिन देखिए गुरुदेव का सोच, गुरुदेव ने सोचा कि मेरे प्रवचन के बाद तो सब लोग क्या है उनके चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया आधा ही प्रवचन किया और सडनली बोले हाँ काम यार सब बच्चों का आओ और अभी कार्यक्रम। तो प्रवचन बीच में रोक के आधा करके बीच में प्रोग्राम फिर वापस प्रवचन। देखो कितनी बड़ी सोच है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बड़ी सीखने वाली थी। बोले हम प्रवचन के बाद तो आधी पब्लिक तो चली जाएगी। तो उत्साह वर्धक युवा केंद्र के लड़कों को भी बहुत वो उत्साहित करते, कोई प्रोजेक्ट यदि वो लाते थे तो जरूर करो। और यही तो बड़े लोगों का काम है गुरुओं का, तो ऐसा ही एक नाम उत्साहवर्धक है। और अगला नाम है ओम एकस्मै नमः। एकस्मै नमः मतलब उस एक को प्रणाम जो एक है। अब यदि तत्व दृष्टि दिखाया जाए तो परमात्मा तो एक ही है। अच्छा लेकिन बात यह है कि भले ही वो एक है लेकिन उस एक से ही अनेक आया है ना, पूरा जगत एक कारण से आया है। तो कार्य तो अनेक है लेकिन कारण एक है। अब मिशन की दृष्टि से भी हम देखो तो मिशन में इतने प्रोजेक्ट्स हैं इतने सब है लेकिन उसके कारण कौन है एक चीज में आने नहीं। इतने बाल विहार इतने स्टडी ग्रुप्स हैं अभ्यास वर्ग स्वाध्याय 90 विद्यालय हैं 8 कॉलेजेस हैं 250-300 सेंटर हैं तो सबका कारण एक है। उन्होंने प्रेरित किया तो ये एक से क्या हो गया अनेक हो गए। जैसे वट वृक्ष का बीज एक होता है लेकिन वट वृक्ष तो आज ये पूरा जो मिशन है उसका कारण एक है। लेकिन गुरुदेव कभी ये नहीं बोलते रहे कि ये हमारे एक उपासक है, वो हमेशा बोलते तपोंजी महाराज के कारण हुआ है। ऑलवेज यूज्ड टू डाइवर्ट उनकी कृपा है महाराज की कृपा है। ये तो होता ही है हमेशा गुरु लोग अपने गुरु को ही कारण मानते हैं उनकी कृपा से। एक भजन गाते ना मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये है ऐसे उस एक को प्रणाम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।